हेलो हेलो, प्रधानमंत्री जी। सर, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? मैं राजकोट जी अल्पेश ढोलरिया बोल रहा हूँ। राजकोट जिले के गोंडल तहसील के लीलाखा गांव है, भादर डैम के बगल में, वहां से बोल रहा हूँ सर। अल्पेश भाई नमस्ते। नमस्कार क्या नमस्कार है सर जी। भादर डैम में इस बार पानी का हाल? सर, पूरा डैम भरा हुआ है इस साल, तो पूरा हाँ, डैम इस भर बार गया तो है। आपको जो बाद में जो बारिश आई उसका फायदा बहुत हो गया। बहुत मिला सर, बहुत मिला हमें। अच्छा, आप ये बताइए, सरकार जो इतने सारे काम कर रही है उन सभी की आपको जानकारी कैसे मिलते हैं? आप लोगों ने इन विकास हुई है क्या? क्योंकि अभी मैं अमरेली में विपुल भाई से बात कर रहे थे, उनको इतने काम याद थे और धमाधम वो बोलने लग गए, तो क्या व्यवस्था की है आपने? सर, मैं तो आपको अपना आदर्श मानता हूँ। मैंने तो ट्विटर और नमो ऐप के नोटिफिकेशन से आपके सभी भाषण, एक भी भाषण छूटने नहीं देता हूँ, सभी भाषण में देखता हूँ। और सर, मैं हमारे पूरे मित्र सर्कल को अपना भाषण में आपका भाषण पूरा सुनाता हूँ सबको मैं। और आज जितना ध्यान आप हमारा रखते हैं, उतना कम ही नेता होंगे को अपने कार्यकर्ताओं के ध्यान देते होंगे। और सर, नमो ऐप में आपने कमल पुष्प सेक्शन में जो जानकारी दी है, उसे हमें पता चला है कि कितने बलिदानियों से हमारी पार्टी तक पहुंची है, कितने लोगों ने बलिदान दिया है, तब हमारी पार्टी सब यहाँ पहुंची है। सर, जो इतिहास के रचयिता है, उनको इतिहास की जानकारी जरूरी है। हमारी जीवन बदलने में उनका बहुत बड़ा योगदान है सर। अल्पेश जी, आपने कमल पुष्प की बात कही और सभी पन्ना प्रमुख मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं जरूर इस विषय पे थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं। देखिए, कमल पुष्प एक बहुत ही अभिनव अभियान है। आप जिस क्षेत्र के पन्ना प्रमुख हैं, लोगों से पूछ करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि उस क्षेत्र में जनसंघ के जमाने में कौन हमारी पार्टी का काम करता था, बीजेपी के समय हमारी पार्टी का कौन काम करता था, इमरजेंसी के समय जो अत्याचार हुए हमारे किन किन लोगों को सहना पड़ा, हमारे लोगों को क्या क्या जिम्मेवारियां उठानी, कौन बैठते थे, ये सारे लोगों की जानकारी निकालनी चाहिए। हो सके तो उनकी फोटो कलेक्ट करनी चाहिए और ये सारी चीजें कमल पुष्प पे रखनी चाहिए। और कोई पहले हमारी पार्टी में थे, आज पार्टी छोड़ दी हो तो भी उनका लिखना चाहिए कि पहले हमारे साथ काम करते थे, हमारी चार चार पांच पांच पीढ़ी पूरा जीवन खपा दिया है। अगर कमल पुष्प में हम उनको अमर बना देते हैं, उनकी हर पुराने समय में उन्होंने जो काम किया है, साइकिल लेकर के गांव गांव गए हुए हैं लोग, ये अगर आप कमल पुष्प पर अपलोड करने का अभियान चलेगा। और राजकोट तो एक प्रकार से गुजरात में जनसंघ को अगर कहीं से ताकत मिली तो राजकोट से मिली। सबसे पहले जो पार्टी की ताकत खड़ी हुई वो राजकोट में खड़ी हुई। और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं पहला जो चुनाव लड़ा जीवन में वो राजकोट से लड़ा और राजकोट ने मुझे बहुत प्यार दिया और वो गाड़ी अब चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा अल्पेश जी, यस जो सर। पार्टी का कार्यकर्ता यस सर। सेवाओं में जो काम करता है, जो इन दिनों कोरोना के समय काम किया होगा, हेल्थ सेक्टर में और अस्पतालों में काम किया होगा, क्या राजकोट में इसके कारण कोई परिवर्तन नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री जी, राजकोट में तो स्वास्थ्य सेवा सुधर रही है और पूरे गुजरात में स्वास्थ्य सेवा सुधर रही है। तब पिछले 2 दशकों में जैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में तैयार हुआ है, उसकी वजह से हम कोरोना की चुनौती में बेहतर तरीके से निपट पा रहे हैं। और सर, सभी राजकोट वासी और गुजराती से मैं आपका आभारी हूँ कि आपने एम्स हमारे राजकोट में दिया है सर। और इसी वजह से जो कितनी बीमारी ऐसी थी, उसको निपटने के लिए हमको बॉम्बे जाना पड़ता था, तो दिल्ली किसी को जाना पड़ता था, अब कहाँ किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ
सभी बीमारियों का इलाज हमारे राजकोट में एम्स में मिल जाएगा सर। और सर 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज दी है आपने, ये एम्स राजकोट के राजकोट में है, इसीलिए हम लोग बहुत सर खुश है, बहुत खुश है। अल्पेश जी, मुझे आपकी खुशी आपकी बातों में भी नजर आ रही है, एकदम आपका आवाज में भी ताकत बढ़ गई। अल्पेश जी, भारत आज हेल्थ सिस्टम को लेकर बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। भारत ने जिस तरह मजबूती से कोरोना से लड़ाई लड़ी है वो दुनिया ने भी देखी है। आज चाहे मास इम्यूनाइजेशन हो या फिर इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी, सबकी निगाहें भारत की तरफ देख रही हैं। इस पूरे हेल्थ सिस्टम को आगे बढ़ाने में, लोगों तक पहुंचाने में आप जैसे अनेक कार्यकर्ताओं का भी योगदान है। आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों तक योजना को पहुंचाना हो या फिर कोरोना में लोगों को वैक्सीन बूथ तक ले जाना, आप जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने देश के हर कोने में काम किया। उसी प्रकार से सेवा ही संगठन के समय भी, कोरोना के समय हमारे कार्यकर्ता घर में रहने के बजाय कोई गरीब भूखा न सो जाए, किसी को असुविधा ना हो, दवाई चाहिए उसको दवा पहुंचाई, अनेक प्रकार के काम किए हैं। तो मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। राजकोट के सभी लोगों को हमारी याद दे देना, मुझे अच्छा लगा।